दिखाते हैं भविष्य पुराण। भविष्य पुराण से पहले आपको डॉक्टर जाकिर नायक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है, इसमें दिखाते हैं ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डिटो कॉपी की गई है। इसके बाद आपको दिखाएंगे उनकी वीडियो और उसके बाद हम आपको भविष्य पुराण दिखाएंगे। ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकिर नायक की इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, डॉक्टर जाकिर नायक, अनुवादक हैं A.M. फहीम, ये यहाँ से छपी है और ये इसका पूरा डिटेल है। कॉपीराइट 2008 ऐसे। ये यहाँ से छपी है, 2012 का संस्करण है लेटेस्ट। प्रकाशक है A.M. फहीम अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इतने। इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है। अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई एतराज हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नायक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनके फैक्स नंबर भी हैं। प्रिंटेड बाय HS ऑफसेट प्रिंटर्स, चांदनी महल, नई दिल्ली। इतने यहाँ देखिएगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डॉक्टर जाकिर नायक पेशे के एक डॉक्टर हैं, यही इन्होंने लिखा है इस्लाम और अन्य धर्मों के संबंध में एक गतिवान और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता खतीब के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अपने मतलब की वस्तु पे। 38 पृष्ठ पे देखिएगा मोहम्मद सलल की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है। अध्याय भविष्य पुराण में मोहम्मद सलल की पेशीन गोई मौजूद है। प्रति सर्ग पर्व खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 और 8 में भविष्य पुराण के अनुसार एक मलिच विदेश से संबंध रखने वाला और विदेशी भाषा बोलने वाला रूहानी उस्ताद अपने साथियों के साथ आएगा। इसका नाम मोहम्मद होगा। राजा इस महान फरिश्ता सिप्त अरब को गंगा और पंचगोया का गुसल स्नान देने यानी तमाम गुनाहों से पाप करने के बाद अपनी खालिस श्रद्धा और सम्मान का इजहार करते हुए कहेगा, ए अरब के रहने वाले, तुझ पर जिस तरह मानवता गर्व करती है मैं तेरे आगे शीर्ष नवाता हूँ। आपने शैतान की समाप्ति के लिए महान ताकत इकट्ठा कर ली है और खुद अपने विदेशी प्रतिपगी और दुश्मनों से अपनी हिफाजत का इंतजाम किया है। पेशन गोई वजाहत स्पष्टीकरण के साथ यह बयान किया है। इसने आगे बताया कि ये बताया पैगंबर का नाम मोहम्मद होगा और इसको लेकर पढ़ सकते हैं आप बाकी जो इसने कहा। पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के इस वक्तव्य को भविष्य पुराण से मेल करते हैं जिसमें इसने कहा कि भविष्य पुराण के प्रति सर्ग पर्व अध्याय 3 खंड 3 और मंत्र नंबर 5 से 8 तक हजरत मोहम्मद जी का जिक्र है। अब देखो यदि हम इस भविष्य पुराण को सच माने, ये भविष्य पुराण के अंदर एक तरतीब वाइज समय अनुसार वर्णन है
जैसे बाबा आदम से लेकर उससे पहले का भी जिक्र है, और आदम की उत्पत्ति, फिर उनके पुत्रों की, फिर उसके बाद अब्राहिम, दाऊद, और उसके बाद मूसा जी, फिर ईसा जी, और ईसा जी के बाद हजरत मोहम्मद का नंबर आना चाहिए। इसमें ऐसा ही है, ये है भविष्य पुराण द्वितीय खंड। अनुवादक हैं पंडित बाबूराम उपाध्याय। ये देखिएगा यहाँ से प्रकाशित है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से। अब यहाँ देखना, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 12 सम्मेलन मार्ग इलाहाबाद से। यहाँ से शुरू होता भविष्य पुराण द्वितीय खंड मध्यम एवं प्रतिसर्ग पर्व। ये दो पर्व हैं इसमें, मध्यम पर्व और प्रतिसर्ग पर्व। अब यहाँ देखते हैं, अनुवादक है पंडित बाबूराम उपाध्याय, और यह भी आपको दिखा दिया, सन 2006 में ये छपी है दोबारा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 12 इतने में। ये कहाँ से प्रिंट हुई है ये देख लीजिए। प्रकाशक है प्रभात मिश्र शास्त्री, प्रधानमंत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, ऐसे ऐसे ये है। मुद्रक हैं मनोज अपसेट, फोटो कंपोजिंग है 255 चक 0 रोड इलाहाबाद। ये सारा कुछ ठीक, इसके प्रश्न नंबर 258 पे और 59 पे इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रतिसर्ग पर्व है, और यहाँ नीचे से ये तृतीय अध्याय, यहाँ तो इसकी संस्कृत है, और यहाँ से चला है ये नीचे का अध्याय 3, द्वापर के राजाओं का वर्णन है इसमें। अब इसमें कलयुग तो शुरू भी नहीं हुआ, कलयुग वालों का है। फिर यहाँ जाते हैं हम 259 पर, ये 259 है, और तृतीय अध्याय चल ही रहा है। तो यहाँ इसने मलेच्छ वंश इसे लिया है, श्लोक नंबर 5 से 8। अभी आपने देखा था इसकी पुस्तक में, ये स्पष्ट है 5 से 8। ये देखो इसकी यह पुस्तक जो भी दिखाई थी आपको, इसके अध्याय 38 पे इन्होंने कहा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है, और रेफरेंस हवाला क्या दिया है कि भविष्य पुराण में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाई मौजूद है, भविष्य पुराण की प्रति सर्ग पर्व खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5-8। ठीक, ये है अध्याय 3 प्रतिसर्ग पर्व और तृतीय अध्याय, और ये 5 से 8 में। अब यहां मलेच्छ शब्द है, मलेच्छ वंश, इन्होंने इस मलेच्छ से ले लिया के एक मलेच्छ का अर्थ इसने कर दिया के दूसरे देश के आदमी को मलेच्छ कहते हैं भारत वाले। अब पहले तो मलेच्छ बता दूं किसने कहते हैं भारत वाले, मलेच्छ कहते हैं दुष्ट, नीच, अनार्य व्यक्ति को, शब्द कोश से दिखाते हैं। ये देखिएगा बृहत हिंदी शब्द कोश खंड 1 कोशकार एवं प्रधान संपादक हैं डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। ठीक, अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है। मलेच्छ वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो, मलेच्छ, मलेच्छ माने अनार्य, नीच, जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो, जैसे अनार्य आचार, नीच। ठीक, मलेच्छ माने नीच, अनार्य। पुण्यात्माओं, इस डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने घर का कुछ नहीं ले रखा, एक पुस्तक हाथ लागी इसके, और किसी सिर फेरे ने वो पहले प्रकाशित कर रखी है, ऐसे ही ऊट पटांग रेफरेंस दे करके उनको जो का तो रट रखा इसने, ना कोई सदग्रंथ देखा। अब देखिएगा एक पुस्तक है अंतिम संदेष्टा, ये किसी मुसलमान की लिखी हुई अंतिम संदेष्टा, कब, कहाँ और कौन,
ये सारा कुछ ही निकाल रखा, ये सर्वाधिकार सुरक्षित है, ये सारा कुछ देख ले। लेखक है मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी, आचार्य हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, कंपोजिंग है मोहम्मद अमीनुल हक नदवी, और ये देखिएगा प्रकाशक ये है ए एम फहीम अल हसनात बुक प्राइवेट लिमिटेड, ये वही दरियागंज नई दिल्ली से, ठीक। मुद्रक ये है एच एस ऑफसेट प्रेस दरियागंज नई दिल्ली। इसने जो भी रेफरेंस लिए हैं इससे ले रखे, हम इसको और साथ ही लपेटेंगे भी। ये देखिएगा ये 56 पृष्ठ पे, यहां से हम आते हैं भविष्य पुराण के अनुसार कल्कि अवतार के आने से पूर्व की दशा। भविष्य पुराण में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा, मरुस्थल में उत्पन्न होंगे। अब ये रेफरेंस उसने ज्यों के त्यों ले रखे हैं, ये देखिएगा वेदों में भी इसने लिखा है, प्रश्न नंबर 58 पे इस पुस्तक के अंदर अंकित है कि वेदों में शब्द अहमद और मोहम्मद मौजूद है। ये देखो वेद अहमेत पुरुष महामंत आदित्य वर्णम तमस्य प्रस्ताव अनाय, यजुर्वेद अध्याय 31 के मंत्र 18 का रेफरेंस दिया है कि उसमें वेद अहमद महानतम पुरुष हैं। वो तो फिर दिखाऊंगा बाद में, इसकी भी हिंदी बाद में करूंगा, पहले प्रसंग तो चल रहा है। इसने डॉक्टर जाकिर नायक ने ये अनुवाद गोट रखे इससे, ये देखो 31 के 18 में इबिस ने क्या किया है कि ऋग्वेद में, यहां देखो इस प्रकार अहमद का इतना महत्व है कि ऋग्वेद मंत्र 8 सूक्त 6 और 10, अथर्वेद कांड 20 सूक्त 115 मंत्र 1 में, सामवेद 152 1500 मंत्र में अहम इद शब्द का प्रयोग है। अब संस्कृत केवल हजरत मोहम्मद पर ही घटित होता है, ये क्या कहता है अहम, इसका अर्थ बनता है वैसे अहम इत, दय को तय बोला जाता संस्कृत में, छंद निषेध करेंगे तो इन्होंने उठपटांग रखे। हजरत मोहम्मद सलल ने फरमाया कि मेरे अनेक नामों में से मैं मोहम्मद हूँ अहमद हूँ, बुखारी इसमें। फिर भागवत पुराण के 2 के 72 में भी लिखा, और देखिए यहाँ से ले रखे प्रश्न नंबर 59 पे, ये देखिएगा ये कहता है जो विस्तार पूर्वक है भविष्य पुराण भाग 3 खंड 3 अध्याय 3 और श्लोक 5-8 में दिया गया है। डॉक्टर जाकिर नायक ने यहाँ से नोट कर लिखिया ना, तो मेरे ख्याल में लगा लेखक ने पुस्तक उठा के देखी, हरीश ने तो उठानी है नहीं थी क्योंकि इसने तो यहाँ से रट रखा है। अब देखिएगा इसी पुस्तक के अंतिम संदेष्टा नामक पुस्तक है, इसको ही पढ़ रहे हैं हम। इसने यहां से शुरू किया है कि भविष्य पुराण में पृष्ठ नंबर हम 56 से शुरू करते हैं। भविष्य पुराण प्रति सर्ग परो वर्तिम खंड, ये वर्तिम खंड का तृतीय अध्याय है, ये तृतीय यहां से शुरू करता है। ये संस्कृत शब्द है, अभी हम यहां पहुंचेंगे ये कहां पर है भविष्य पुराण में आपको दिखाएंगे। एतिम अस्मिन अंतरे मलेच आचार्यज रामंत महम्मद इति विख्यात, ये महम्मद सही नाम है मोहम्मद, और शिष्य शाखा संवंत नरपच महादेवम, इसकी हिंदी इस पर पहुंचते हैं हम, ये कहाँ ले रखे आपको फिर पता लगेगा। अब ये क्या बताते हैं इसने कहाँ से संस्कृत का हवाला दिया है, अंतिम संदेष्टा नामक ये जो पुस्तक है इसके ऊपर सारा दारोमदार देखना। ये अंतिम संदेष्टा नामक जो पुस्तक आपको दिखा रहे हैं इसके प्रश्न नंबर हम देखते हैं 56 पे,
56 पे इसने क्या कहा, भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पूर्व युवर्ती खंड को तीन, इसका जो भी है हम यहां से पकड़ेंगे इसको। ये संस्कृत श्लोक है, ये देखिएगा ठीक है। अब ये कहाँ है भविष्य पुराण में, ये देखिएगा, ये हमने भविष्य पुराण उठा लिया, ये भविष्य पुराण उठा लिया और इसके अब तृतीय अध्याय हम पढ़ रहे हैं, तृतीय अध्याय। अब जो हमने श्लोक देखे थे संस्कृत के वो यहां से शुरू होते हैं, अध्याय नंबर 5 से 8 तक, इसके 5 से 8 तक। अब देखो ये है, इसमें क्या लिखा है, यहां से लेना दिया है, यहां से शुरू होता है मलेश आचार्य, यहां से इन्होंने ये अंतिम संदेष्टा के अभी आपको दिखाया था, इसके पृष्ठ नंबर 56 पे यहां से लिया है इन्होंने, यहां से ये शुरुआत की इसमें, ये भविष्य पुराण में। अब हम यहां आगे भविष्य पुराण के प्रश्न नंबर 385 पे और अध्याय 3, ये प्रतिसर्ग, ये भविष्य पुराण प्रतिसर्ग प्रभाव। अब यहां से शुरू किया इसने और इसने क्या अनुवाद किया है इसके विषय में, ये अंतिम संदेष्टा ने क्या, इसने कैसा अनुवाद किया है 56 पृष्ठ पे इसका, यह किया है, उसी बीच अपने शिष्यों के साथ मोहम्मद नामी पवित्र मलेच यानी गैर मुल्की या गैर आर्य अनार्य अनार्य मलेच का अर्थ कर दिया उन्होंने, गैर मुल्की अनार्य माने नीच, आपको दिखाई दिया, फिर दिखाऊं एक बार, गैर आर्य का अर्थ होता है अनार्य, अनार्य का अर्थ होता है नीच, जो अच्छा आदमी ना हो। ये देखिएगा शब्द कोश फिर दिखा देता हूं एक बार, ये देखिएगा अनार्य, ये अनार्य या अनार्य माने ये अच्छी तरह देख लो पूरा, अनार्य माने वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो, मलेच अनार्य माने मलेच, गैर आर्य को अनार्य को मलेच, जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य ना हो नीच, अनार्य आचार ठीक है, अनार्य माने नी मलेच कहो नीच कहो। अब ये फिर हमने शब्द कोश रख दिया अंतिम संदेष्टा और इसके लेखक हैं मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी, आचार्य हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, कंपोजिटर ये सारे इसके, ये देख लिए यहाँ से। अब इसके फिर आते हैं, अब इसने इस 56 पृष्ठ पे क्या अर्थ किया है इस भविष्य पुराण के संस्कृत के श्लोकों का, 56 पृष्ठ पे ये क्या करता है, इसका अर्थ है तस्मीन उसी बीच अपने शिष्यों के साथ महामद मोहम्मद नामी पवित्र, इसमें महामद है, महामद इसको मोहम्मद कोई बात नहीं हम इसको मान लेंगे, मलेच यानी नीच जो आदमी अच्छा ना हो वहां आ गया, राजा भोज मरुस्थल रेगिस्तान निवासी महादेव के दरबार में तमाम गुनाहों के धोने से पवित्र होकर गंगा स्नान करके अपने आप को सुपुर्द करके यूं अनुरोध करेगा, ए रेगिस्तान के निवासी शैतान को पराजित करने वाले चमत्कारों के मालिक बुराइयों से पाक। 57 पृष्ठ पे पाक व साफ सत्वादी सचेत साक्षात ईश प्रेम में डूबे हुए तुम्हें प्रणाम या सलाम हो, तुम मुझे अपनी शरण में आया हुआ दास समझो। ठीक है, फिर आगे इन्होंने ये लिया, अब राजा भोज के पास रखी हुई पत्थर की मूर्ति के लिए महामद मोहम्मद कहेंगे कि वह मेरा जूठा खा सकती है जिसे तुम पूजते हो, यह कहकर राजा भोज को ऐसा ही चमत्कार दिखलाएगा। यह सुनकर और देखकर
राजा भोज को बड़ा आश्चर्य होगा और उस मलेच्छ धर्म में, नीच धर्म में उसकी आस्था हो जाएगी। अनुवादित है इसके, ये अनुवाद कहते इसने किया है इनका। फिर ये यहां से शुरू होता है, ये 23 से लेकर 27 तक ये आपको दिखाएंगे। पहले इनका पढ़ लेते, ये क्या बताया है इन्होंने। रात्रि में कोई देवदूत पैसाच देह धारण करके राजा भोज से बोला कि हे राजन, यद्यपि तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों से उत्तम है, फिर भी उसी धर्म को पैसाच धर्म नाम से ईश्वर की आज्ञा से स्थापित करूंगा। खतना किया हुआ, चोटी से हीन, दाढ़ी रखने वाला, ऊंची बात कहने वाला अर्थात अजान कहने वाला मेरा खास आदमी होगा। शुद्ध पशुओं का आहार करने वाला और कुसों के जैसे संस्कार होता है वैसा उसका मुसल से संस्कार होगा, उसी से मुसलमान जाति दूसरी धर्मों पर दोष लगाएंगे। ऐसा मेरे द्वारा किया गया पैसाच धर्म होगा। यह कहकर देवता चला गया और राजा भोज घर लौट गया। इस पुस्तक के अनुवादकर्ता ने यानी लेखक ने कैसा कहा है कि राजा भोज उस मोहम्मद नाम के व्यक्ति को एक दुष्टों का नाश करने वाला पवित्र और ऐसे ऐसे वो चलाएगा धर्म उसका, उसको कहा कि उसके विषय में राजा भोज ने भी स्वीकार की उसकी पवित्रता को। अब डॉक्टर जाकिर नायक जी क्या कहते हैं, अब इसमें आगे इस्लाम और हिंदू धर्म, इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। डॉक्टर जाकिर नायक ये यहाँ से ये सारा वही है और ये सारा वही है, ये देखिएगा ठीक। अब हम इसके 38 पृष्ठ से सारा पढ़ देंगे जब समझ में होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है। भविष्य पुराण में मोहम्मद सल्लल्लाहु की पेश सुनाई प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 3 श्लोक 5-8 में भविष्य पुराण के ठीक। एक मलेच्छ यानी इसकी इसने मलेच्छकार के लिखा है विदेश से संबंध रखने वाला और विदेशी भाषा बोलने वाले को मलेच्छकार नहीं, मलेच्छकार था नीच रूहानी उस्ताद आचार्य को अपने साथियों के साथ आएगा, इसका नाम मोहम्मद होगा। राजा इस महान फरिश्ता सिपत अरब की गंगा और पंच गोया का गुसल स्नान देने यानी तमाम गुनाहों को पाक करने के बाद अपनी खालिस श्रद्धा और सम्मानता का इजहार करते हुए कहेगा, ए अरब के रहने वाले, तुझ पर जिस पर मानवता गर्व करती है मैं तेरे आगे शीश नवाता हूँ। आपने शैतान की प्राप्ति के लिए महान ताकत इकट्ठा कर ली है और खुद अपने विदेशी प्रतिजी और दुश्मनों से अपनी हिफाजत का इंतजाम किया है। पेशी नगोई में वजाहत स्पष्टीकरण के साथ बयान है कि पैगंबर का नाम मोहम्मद होगा, यानी भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है। जाकिर नायक जी कह रहे इसका संबंध अरब से होगा, संस्कृत शब्द मरुस्थल का अर्थ रेतीली जमीन या बंजर होता है। पैगंबर के साथियों यानी साहबा का खास बयान है कि किसी पैगंबर के पास इतने साहबा नहीं थे जितने मोहम्मद सल्लल के पास थे ठीक। इन्हें पर्वत नाथ यानी फकरे इंसानियत जिस पर मानवता गर्व करे कहा गया है। अब देखो डॉक्टर जाकिर नायक जी कैसी त्रोड़ मरोड़ के बातें कर रहे हैं। पर्वत राज का अर्थ है आगे दिखाएंगे आपको भविष्य पुराण में। और ये पर्वत राज का अर्थ क्या कर रहे हैं देखो, इसके 38 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। इन्हें पर्वतनाथ यानी पंखरे इंसानियत जिसका अर्थ है जिस पर मानवता गर्व करती है करे कहा गया है। कुरान की मैसूर है 68 आयत 4 में इस बयान की पुष्टि करता है। फिर वह शैतान को खत्म कर देगा यानी बुत प्रस्ती और तमाम प्रकार की खुदाई
प्रतिनिधि का विनाश करेगा। वह पैगंबर अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहेगा। कुछ लोग यह कहते हैं कि पेशिन गोई में कहा हुआ राजा भोज 11वीं सदी में और मोहम्मद सलल के आने से 500 साल बाद का इंसान था, और यह है कि वह राजा साली वहन की 10वीं नस्ल की औलाद से था। इनको तो यह बात समझ में नहीं आई कि भोज सिर्फ एक राजा नहीं था। जिस तरह मिस्र के बादशाहों में फिरौन और रूमी सेनसाओं में कैसर के नाम से जाना जाता था, इसी तरह हिंदुस्तानी राजा भोज के लकब पदवी के याद किए जाते थे। 11वीं सदी ईस्वी के राजा भोज से पहले अनेक राजा मौजूद थे। पैगंबर ने जिस्मानी तौर पर पंचगोया या गंगा के पानी से स्नान नहीं किया था। गंगा का पानी पवित्र समझा जाता है। इसी के पानी से स्नान करना तमाम गुनाहों से खुदा को पाक व साफ करने का लक्षण है। पेशिन गोई का अर्थ है कि मोहम्मद सलल मासूम थे, यानी किसी किस्म के गुनाह आदुल कलंकित नहीं थे। मोहम्मद सलला पेश गोई भविष्य पुराण में मौजूद है। पुराण के अनुसार महर्षि व्यास ने एक पेशिन गोई की है, यानी भविष्यवाणी। मलिच ने अरब की प्रसिद्ध जमीन को बर्बाद कर दिया है। इस मुल्क में आर्य धर्म नहीं पाया जाता। अब देखो, मलिच ने यानी नीच व्यक्ति ने, इससे पहले भी एक दुराचारी शैतान आया था जिसे मैंने खत्म कर डाला। इसे फिर किसी ताकतवर दुश्मन ने भेजा है। इन दुश्मनों को सीधा रास्ता दिखाने और इनकी 40 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, मार्गदर्शन करने के लिए मोहम्मद जिसे मैंने ब्रह्मा के लकब से नवाजा है, पिशाच को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश में प्रसिद्ध है। अब देखो इसने कितना अड़ंगा करा है, पिशाच को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश में है। मोहम्मद जी, ए राजा, तुम्हें बेवकूफ पिशाच की भूमि पर जाने की जरूरत नहीं। तुम जहाँ भी रहोगे मेरी रहम दिली तुम्हें पवित्र बनाए रखेगी। एक रात वह फरिश्ता सिफ्त बुद्धिमान पिशाच के लिबास में आया और राजा भोज से कहा कि राजा, तुम्हारे आर्य धर्म को तमाम धर्म पर विजय पाने के लिए बनाया गया है, लेकिन ईश्वर परमात्मा के अनुसार मैं मांस खाने वाले के पुख्ता पक्के अकीदों को लागू करूँगा। मेरे मानने वाले खतना कराएंगे, अपने सर पर बालों की चोटी नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी रखेंगे, अजान के द्वारा एक इनकलाब पैदा करेंगे, अजान माने बंग, और तमाम जायज चीज़ें खाएंगे। वह खिंजीर के अलावा तमाम जानवर खाएंगे। वह खुद को पाक करने के लिए छोटी छोटी झाड़ियाँ तलाश नहीं करेंगे, बल्कि जिहाद से उन्हें पवित्रता मिलेगी। गैर धार्मिक जातियों से जंग करते हुए उन्हें मुसलमान के नाम से पहचाना जाएगा। गोश्त खाने वाली कौम के इस धर्म में संस्थापक मैं हूँगा। अब हम हिंदुज्म और इस्लाम में इन ग्रंथों के अनुसार आखिरत और भाग्य के तौसर को के बीच पाई जाने वाली मानवताओं का अध्ययन करेंगे, जांच करेंगे और प्रकट करेंगे। अब डॉक्टर जाकिर नायक जी जो प्रवचन करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, सुनिए उनकी क्लिप के माध्यम से। और हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5-8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्छा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको निलाएंगे और कहेंगे, तू है रहमत वाला इस दुनिया का, और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी की जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा के माने परदेसी,
फॉरेनर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। मलेच्छकार इसने कर दिया कि दूसरे देश के आदमी को मलेच्छ कहते हैं भारत वाले। अब पहले तो मलेच्छ बता दूं किसने कहते हैं भारत वाले। मलेच्छ कहते हैं दुष्ट नीच अनार्य व्यक्ति को, शब्द कोश से दिखाते हैं। ये देखिएगा बृहत हिंदी शब्द कोश खंड एक कोषकार एवं प्रधान संपादक हैं डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। ठीक, अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है। मलेच्छ वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो, मलेच्छ, मलेच्छ माने अनार्य नीच, जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो, जैसे अनार्य आचार नीच। ठीक, मलेच्छ माने नीच अनार्य, मलेच्छ कहते हैं दुष्ट नीच अनार्य व्यक्ति को। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साहबा थे। वो आएगा मरुस्थल से, मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मलेच्छा अरब जमीन को खराब कर चुका है, एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को, इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेच्छा के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरीफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन, मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा, वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा, वो गोश्त खाएगा लेकिन सुअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा, वो इनकलाब बर्पा करेगा, वो घास फूस से पाक नहीं होगा लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा, उसका नाम होगा मुसलमान। ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा, उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है, वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा जिसे कहते आदान, वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा लेकिन खिंजीर सुअर का गोश्त नहीं खाएगा, वो पाक नहीं होगा घास और फूस से लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़कर पाक होगा, उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराना में। कई भविष्यवाणी है, वक्त नहीं के सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी। अभी आपने सुना डॉक्टर जाकिर नायक जी के वचन, अब सुनना यथार्थता क्या है। डॉक्टर जाकिर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे हैं।
अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। अब इन्होंने क्या कहना चाहा है, अब देखो कमाल कर दिया। इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा तुम रेफरेंस क्या लेने जा रहे हो, हजरत मोहम्मद की बेइज्जती कराना चाहते हो या इसकी कोई इज्जत रखना चाहते हो। इन्होंने जिन जिन मंत्रों का हवाला दिया है अब भविष्य पुराण से उसको स्पष्ट करते हैं। देखिएगा ये है भविष्य पुराण, ये हम पढ़ रहे हैं द्वितीय खंड में दो पर्व हैं यहाँ से, और ये भविष्य पुराण हमने उठाई, इससे क्लियर हो जाएगा, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जो दास आज करना चाहता है। ये यहां से छपी है। अब इन मुसलमान भाइयों ने तो ये सिद्ध करने की चेष्टा की है कि हजरत मोहम्मद जी के बारे में भविष्य पुराण में भी वर्णन है कि वो वहां आएगा और एक बहुत अच्छे धर्म की स्थापना करेगा। यानी क्योंकि ये मुसलमान धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानते हैं, नुकैती से अच्छा कोई धर्म ही नहीं है, और भविष्य पुराण का इन्होंने रेफरेंस लिया है। तो हम यदि भविष्य पुराण की माने तो भविष्य पुराण में क्या लिखा है, मलेच्छ का अर्थ तो सीधा कर दिया, नीच, जो व्यक्ति श्रेष्ठ ना हो। अब देखो यहां देखिएगा, यह है अथ तृतीय अध्याय, ये कलियुग का प्रकरण चल पड़ा है, कलियुग के अंदर तीसरा अध्याय है ये। देख तीसरे अध्याय का इन्होंने वैसे यहां से शुरू किया है, ये पांच से यहां से लेते हैं, अब यहां से शुरू किया था, यहां पढ़ेंगे हम, यहां तक कि दसवें राजा भोज के समय मर्यादा इस बोतल पर नाम मात्र रह गई थी, उस बलि राजा ने मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट देख कर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, जिसमें 10,000 सेना के साथ कालिदास भी थे, 10,000 सेना थी, अन्य ब्राह्मणों को भी साथ रखकर वह राजा सर्वप्रथम सिंधु नदी के पार पहुंचकर गांधार प्रदेश के मलेच्छों यानी नीचों और कश्मीर के नारव दुष्टों पर विजय प्राप्ति पूर्वक उनके कोष खजानों को दंड रूप में अपनाते हुए आगे बढ़ा। उसी समय मोहम्मद नामक मलेच्छों यानी नीचों का आचार्य गुरु अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था। राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में स्थित शिव की पूजा पंच गत्यम समेत गंगा जल एवं चंदन आदि से संपन्न करके उसकी स्तुति करने लगा। अब देखो अब भविष्य पुराण तो कह रहा है कि राजा भोज उस मरुस्थल के अंदर स्थित एक शिव मंदिर था, महादेव का मंदिर, उसमें महादेव की स्तुति करने लगा नहा धोकर अच्छी तरह। डॉक्टर जाकिर नायक ने इसी संबंध में इसी भविष्य पुराण का रेफरेंस देकर कहा है कि राजा भोज मोहम्मद की पूजा कर रहा था नहा धोकर। वाह रे वाह, ये देखिएगा हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ से इनकी संस्कृत आपको दिखाई थी, ये यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक था। ये देखो नरपश्च महादेवम, ये महादेव हैं, इस महादेव के विषय में बात की, पंचगण गवर्नमेंट तो गंगा जल च, ये है हिंदी महादेव, ये वो कर रहा था मोहम्मद के बारे में कहा बोला मोहम्मद की पूजा करी। यहाँ लिखा है उसी समय मोहम्मद नाम का एक मलेच्छों का आचार्य यानी गुरु मुसलमानों का गुरु अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था। राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में सचित शिव की पूजा पंचगव्य समेत गंगा जल एवं चंदन आदि से सुसंपन्न करके उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन ने कहा मोहम्मद की स्तुति कर, ये तो शिव की उस मंदिर में राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में स्थित शिव जी की पूजा करने लगा। अब देखो राजा भोज बोले मरुभूमि के निवासी गिरिराजपति, ये तो महादेव जी के बारे में स्तुति करा गिरिराजपति, उसने पर्वतराज लिख दिया। मरुभूमि के निवासी गिरजापति,
को नमस्कार है जिन्होंने अत्यंत माया के प्रवर्तक त्रिपुरासुर का नाश किया है, मलेच्छों द्वारा रक्षित शुद्ध एवं सचिदानंद रूप हैं। मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में उपस्थित हूँ। वह मरुस्थल में उन अन्य मलेच्छ यानी निकम्मे जो व्यक्ति थे उनके द्वारा सुरक्षित था वो महादेव का मंदिर। उनको तो मार खदेड़ दिया, उनको तो राज पर कब्जा कर लिया राजा भोज ने। अब उस मंदिर में जाकर नहा धोकर स्वच्छ करके फिर वहाँ स्तुति कर रहा महादेव की। डॉक्टर जाकर नायक जी कह रहे हैं कि वह स्तुति कर रहा था मोहम्मद की, नहा धोकर मरुस्थल में। उसको कहते हैं उस गंगा जैसा पवित्र था, नानकी नहीं कही वैसे कह रखा जैसा उसने अटपट मार रखी। आगे देखो क्या लिखा भविष्य पुराण की, अगर सच्ची माने तो। यहाँ देखिएगा, ये तो हमने पढ़ दिया यहाँ तक तो। राजा भोज मरुभूमि के निवासी गिरजापति को नमस्कार है, ये तो उस महादेव जी को करे मंदिर में। मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में उपस्थित हूँ। और ये कह रहे हैं कि राजा भोज ने भी हजरत मोहम्मद जी की शरण दी। अरे बलाओ थारा, कम से कम साची तो बोल दो। इस डॉक्टर जाकिर नायक जी ने तो कसम खा रखी है, जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। अब देखिएगा आगे भविष्य पुराण में चल रहे हैं हम। 386 हमने 385 पढ़ लिया, 385 पृष्ठ अभी आपको दिखाया है। और प्रति सर्ग परो अध्याय 3 और खंड 3 यो आपने यहाँ तक पढ़ लिया। मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में उपस्थित हूँ, क्योंकि ये तो महादेव के बारे में कहा है। राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में स्थित शिवजी की पूजा इस तरह सारा कुछ करके संपन्न करके अपनी स्तुति करने लग गया। क्या कहा? राजा भोज बोले, मरुभूमि के निवासी गिरजापति को नमस्कार है, उस महादेव की मूर्ति का आगे कह रहा था, जिन्होंने अत्यंत माया के प्रवर्तक त्रिपुरासुर का नाश किया, मलेच्छों द्वारा रक्षित एवं सचिदानंद रूप है। मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में उपस्थित हूँ। राजा भोज तो कह रहे भगवान शिव को, महादेव को, और ये कह रहे मोहम्मद को नमस्कार करके उसकी शरण में आ गया। ये देखो अब 386 पर आ गए हैं, वही प्रतिसर्ग पर। अब हम 386 पृष्ठ पर आ गए हैं भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर। और यहाँ देखो ये सारा कुछ पढ़ लेते थी श्रुतवा, यहाँ पढ़ लेते हैं। सूत जी बोले, इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा, भोजराज आप महाकलेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए, वह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है। उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है, वहाँ बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है, जिस महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था। वह अयोनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है, महामोहम्मद उसका नाम है। भगवान शिव बोले बोध राजा से कि इस स्तुति को सुनकर शिव ने बोध राजा से कहा कि बोध राज आप महाकलेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाएं, वह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है, नीचों द्वारा। उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है, वहाँ बलि दैत्य को प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है, जिस मायावी को मैंने भस्म कर दिया था। वह अयोनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है, राक्षस दैत्य माने राक्षस वंश का वर्धक है, और उसका मोहम्मद उसका नाम है, जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है। अतः योनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है, ये उन पिशाचों में, इन मलेच्छों में श्रेष्ठ है, और दैत्य वंश का राक्षस वंश का वर्धक है, और मोहम्मद उसका नाम है, महामद, जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है। अतः राजन तुम इस धुरत एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो, मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इसे सुनकर राजा अपने देश के लिए चल दिए। अपने शिष्यों समेत मोहम्मद यानी मोहम्मद भी सिंधु नदी के तट पर आया। उस कुशल मायावी ने
प्रेम भाव से राजा से कहा, महाराज आपके देव मेरे दास हैं, नरप देखिए मेरा उत्तिष्ट भोजन करते हैं। इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और वह भी उस भीषण मलेच्छ धर्म का अनुयायी होने की सोचने लगा। उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर मोहम्मद से कहा कि धुर्त, राजा को मोहित करने के लिए यह तुम्हारी माया है, अतः तुम ऐसे दुराचारी एवं वाहिक के अधमा अधम का मैं वध कर दूंगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण निवारण मंत्र का 10 संवत्सर जाप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा। उसी में वह भस्म होकर मलेच्छों का देवता हो गया। तत्पश्चात उसके सभी शिष्यगण भयभीत होकर वाहिक देश चले गए। रात्रि के समय वह मायावी देव पिशाच के रूप से भोज से कहने लगा, तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों से उत्तम है, मैं तो ईसा की आज्ञा से दारुण धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। लिंग कटाना, सिखा चोटी हीन होकर केवल दाढ़ी रखना, मेरी बड़ी बड़ी बातें करना और सर्वभक्षी मेरे वर्ग के लोग होंगे। कौल तंत्र के बिना वे पशुओं के भक्षण करेंगे और कुछ स्थान पर मूसल द्वारा अपने सभी संस्कार उनके होंगे, इसलिए यह मुसलमान जाति धर्म दूषक कही जाएगी। धर्म दूषक माने धर्म का नाश करने वाली, यह मुसलमान जाति धर्म दूषक कही जाएगी। इस प्रकार पैसा धर्म में विस्तृत करूंगा। इतना कहकर वह चला गया और राजा भी अपने घर लौट गए। अपने आत्माओं, यदि भविष्य पुराण को ही मुसलमान प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक जी सत मानते हैं तो आपके सामने ये भविष्य पुराण भी रूबरू कर दी। इब आप निर्णय ले लेना है ये क्या कहना चाह रहे थे हजरत मोहम्मद के विषय में, और भविष्य पुराण क्या बता रही है उसके विषय में, वो कैसे धर्म को चलाएगा, उसमें क्या क्या क्रिया होंगी, ये आपने पढ़ ली। इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी दास नहीं करेगा।